हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन सबसे पहले देखिए क्या है उसकी डेफिनेशन सो इट इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज तो रिप्रोडक्शन क्या हुई नए ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से और वो कैसे होने चाहिए सेम स्पीशीज के इस बात का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं होता कि डॉग्स हैं तो डॉग्स कैट्स प्रोड्यूस कर रही हैं अपनी ही स्पीशीज को आगे बढ़ाएंगी

अब जब ये रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं और कैरेक्टर्स इनहेरिट हो रहे होते हैं तो कुछ चेंजेस आ जाते हैं इनहेरिटेंस के टाइम पे उन्हें हम क्या कहते हैं वेरिएशंस और उसी से शॉर्ट uh, टर्म में अगर देखें तो वो चेंजेस क्या कहलाते हैं वेरिएशन लेकिन अगर लंबे समय की बात करें हजारों सालों की बात करें तो हो सकता है वो छोटे छोटे चेंजेस मिलकर एक बड़ा चेंज बन जाए और उससे क्या बनेगी न्यू स्पीशीज देन वॉट इज वेरियंस वेरियंस की डेफिनेशन भी आ सकती है सो इट रेफर्स टू द डिफरेंसिस वेरी करना डिफरेंसेज होना यहीं से पता चल जाता है सो इट रेफर्स टू द डिफरेंसेज फ्रॉम दी ओरिजिनल इंडिविजुअल वो चेंजेस किसी भी तरीके के हो सकते हैं जैसे कि इट कैन बी मॉडिफिकेशन इन स्ट्रक्चर इट कैन बी मॉडिफिकेशन इन फॉर्म और इट कैन बी मॉडिफिकेशन इन फंक्शन इन इन एन ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चेंज इन हेयर कलर स्किन कलर ब्लड टाइप किसी के फेस पे डिम्पल्स पड़ते हैं सो दिस सर्टन सर्टन चेंजेस दीज मॉडिफिकेशन दीज आर कोल्ड वेरिएशंस नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ और सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू अडेप्टैम सेल्व टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. कई बार क्या होता है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज के लिए बहुत हार्ड होती हैं लेकिन अगर उसमें वेरिएशन आई है उन स्पीशीज में तो धीरे धीरे क्या होगा उन स्पीशीज में वेरिएशन्स की वजह से हो सकता है वो उन आने वाली नई एन्वायरमेंटल कंडीशंस में अडेप्ट कर जाए तो इससे उनका सर्वाइवल ईजी हो जाएगा इसका एग्जाम्पल uh, अगर हम देखें जैसे मच्छर है आपने नोटिस किया होगा कि स्टार्टिंग में जब आप कॉयल यूज करते हैं तो मच्छर भाग जाते हैं या मर जाते हैं लेकिन धीरे धीरे उनको इतनी आदत हो जाती है उनकी नेक्स्ट जनरेशन को कि अब मच्छरों को असर होना बंद हो जाता है क्यों क्योंकि अब उन्होंने एक वेरिएशन प्रोड्यूस कर दी जो उसको सह सकती है उन्होंने ऐसा इम्यून सिस्टम डेवलप कर लिया या अगर रिसेंट का केस देखें तो कोरोना वायरस जिसके नए नए वेरियंट्स आते हैं इट मेक्स सम इंडिविजुअल्स बेटर सूटेड इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस सेम एक्सप्लेशन एन वेरिएशन गिव इच इंडिविजुअल और ऑर्गैनिज्म अ डिस्टिंग इंडिविजुअलिटी अब देखिए आप अपने पेरेंट्स के सिमिलर हैं लेकिन फोटो कॉपी नहीं है बिल्कुल एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी नहीं है बिल्कुल उन जैसे नहीं दिखते तो क्योंकि आप डिफरेंट दिखते हो और आपके अपने कैरेक्टर्स है और तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी है तो इसलिए आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी है आपकी अपनी अलग पहचान है तो वेरिएशन का, का काम इंडिवजुअलिटी भी प्रोवाइड करना है इट हेल्प्स ऑर्गैनिज्म टू इम्प्रूव देयर रेस बाय इंक्रीज रेजिस्टेंस बेटर ईल्ड इन द केस ऑफ प्लांट एक्सेट्रा रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जिस तरीके से मॉस्किटो या आपका वायरस ने रजिस्ट किया बेटर ईल्ड जैसे कि प्लांट्स के केस में नई वेरिएशन हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन बहुत कॉमन है आज के दिन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कि जब अलग अलग प्लांट्स को क्रॉस ब्रीड कराया जाए क्रॉस पॉलिनेट कराया जाए देन इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यह आपकी दो तरीके की होती है ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल इसके नाम से ही पता चल रहा है ए सेक्शुअल सिंगल सो इट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ओनली वन पेरेंट जहां सिर्फ सिंगल पेरेंट की जरूरत हो एक अकेले पेरेंट की जरूरत हो दो पेरेंट्स की जरूरत पेरेंट ना हो जैसे मेल फीमेल की जरूरत ना हो सिंगल पेरेंट इज सफिशियंट टू प्रोड्यूस ऐसे रिपोर्डक्शन प्रोसेस को क्या कहते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स जिसको हम क्लोन भी कह देंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं थोड़ी बहुत ही वेरिएशन होती हैं उनमें इसलिए दिस इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देन इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अब जाहिर से बात है ए सेक्शुअल में वन पेरेंट की रिक्वायरमेंट थी इसमें बाय पेरेंटल सो दिस इज बाय पेरेंटल मोड यानी बाय मीन्स टू सो इसमें दो इंडिविजुअल्स की जरूरत है दो पेरेंट्स की जरूरत है एंड वन हैज़ टू बी मेल एंड अनदर इज फीमेल एंड इट प्रोड्यूसेज सिमिलर काइंडस नॉट सेम इट प्रोड्यूसेज सिमिलर काइंड ऑफ ऑफ स्ट्रिंग्स दे प्रोड्यूस सेल्स और जिनको हम गमीट्स भी बोलते हैं विच फ्यूज टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म यह हमें पता है हम क्या कह रहे हैं कि एक मेल की तरफ सेक्स सेल आया और एक फीमेल की तरफ सेक्स सेल आया और दोनों का फ्यूजन क्या बनाता है जाइगोट एंड देन इट रिजल्ट इन टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म अ फर्दर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की और क्लासीफिकेशन की गई है ये कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है सिक्स टाइप्स में वन इज फिजन सेकेंड इज बडिंग थर्ड इज़ पोर फॉर्मेशन रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्यूजन को फर्दर डिवाइड किया गया बाइनरी फ्यजन और मल्टीपल फ्यजन में और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन ऑल्सो बी ऑफ टू टाइप्स नेचुरल एंड आर्टिफिशियल अब फ्यूजन देखिए नाम ही बता रहे हैं दो वर्ड्स होते हैं एक फिजन होता है और एक फ्यूजन होता है फ्यूजन का मतलब क्या होता है टू फ्यूज टू कम टूगेदर तो जाहिर सी बात है फ्यूजन का क्या मतलब होगा टू डिवाइड सो इन दिस प्रोसेस दर्गेनिजम्स सिंपली डिवाइड और स्प्लिट्स इंटू टू और मोर इक्वल साइज पार्ट अब देखिए हमने यहां फ्यूजन में दो देखे हैं एक बाइनरी फ्यूजन और एक मल्टीपल फ्यूजन जाहिर सी बात है टू मीन बाइनरी और टू से ज़्यादा होंगे तो मल्टीपल फिजन और इसी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ यूनि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंटू टू और मोर देन टू सेपरेट डॉटर सेल्स इसके एग्जांपल बहुत सारे बैक्टीरिया और प्रोटोजोवा जो टू इक्वल हाफ्स में स्प्लिट होते हैं अमीबा जो है वो अमीबा की खासियत क्या है कि वो किसी भी प्लेन में डिवाइड हो सकता है इस बात का मतलब क्या है सपोज कीजिए ये है अमीबा हम क्या कह रहे हैं कि वो ऐसे भी डिवाइड हो सकता है 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 किसी भी प्लेन में डिवाइड हो सकता है सो लेट अस फर्दर एक्सप्लेन बाइनरी फिजन सो बाइनरी बाय मीन्स टू फिजन मीन्स टू डिवाइड इन दिस सेल डिड्स टू फॉर्म टू डोटर सेल्स अब इसको होने में दो स्टेप्स लगते हैं फर्स्ट डिविजन ऑफ न्यूक्लियस देन सेकेंड इज डिविजन ऑफ साइटोप्लाजम जब वो न्यूक्लियस डिवाइड होता है फर्स्ट तो उसको हम उस प्रोसेस को क्या कह देते हैं कैरियोकाइनसिस बिकॉज काइनेसिस मींस मूवमेंट एंड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस इसी से वर्ड बन गया कैरियोकाइनिस देन इज डिविजन ऑफ साइटोप्लाजम साइटो साइटोप्लाजम से ले लिया और काइनेसिस मीन्स मूवमेंट क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है तो मूव होकर डिवाइड होगा सो उसका डायग्राम भी ऐसे ही बन जाएगा अगर हमें इतना पता है तो ये अमीबा हो गया अमीबा का ये क्या हो गया न्यूक्लियस ये क्या हो गया साइटोप्लाज्म और फिर वो जब डिवाइड करने लगेगा तो हम क्या कह रहे हैं पहले न्यूक्लियस न्यूक्लियस की डिवीजन होगी तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस ये डिवाइड हो रहा है क्योंकि पहले स्ट्रेच हो रहा है इसके बाद वो डिवाइड हो जाएगा सेपरेट आउट हो जाएगा और जब ये न्यूक्लियस सेपरेट हो जाएंगे अब साइटोप्लाज्म भी इन दोनों न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियस को घेर लेगा तो यानी कि अब दोनों न्यूक्लियस के पास अपना अपना साइटोप्लाज्म भी अवेलेबल है तो वो अपने आप में कंप्लीटली डिफरेंटली फंक्शन कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म तो इसीलिए इनसे क्या बन जाएंगी फर्दर स्प्लिट होकर क्या बन जाएंगी टू डॉटर सेल्स इसी तरीके से अपना क्या आ गया मल्टीपल फिजन मल्टीपल मींस टू डिवाइड डिज अ प्रोसेस इन विच सेल डिवाइड्स टू फॉर्म मेनी डॉटर सेल्स दिस टाइप ऑफ फिजन अकर्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्मल कंडीशन अभी देखिए आपने ऊपर क्या पड़ा था बाइनरी फ्यूजन अब हम क्या देख रहे हैं मल्टीपल फ्यजन डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी आपको नाम से ही पता चल रही है चीज़ें मल्टीपल मीन्स मैनी इफिज मीन्स टू डिवाइड तो जिसमें ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल क्या करे मनी डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाए और ऐसा क्यों होता है कि जब फेवरेबल कंडीशन है तो वो टू डॉटर सेल्स में क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हुआ साइटोप्लाजम ने उसे घेरा और वो डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में लेकिन सपोज कीजिए कीजिए कि ऐसी फेवरेबल कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही कि वो सेपरेटली फिलहाल डिवाइड करके और सेपरेटली इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बना सके तो ऐसे केस में क्या होगा वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेगा जिसको बोलते हैं सिस्ट उस सिस्ट के अंदर ही अब न्यूक्लियस डिवाइड होते रहेंगे फिर हर न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म उसे सराउंड कर लेगा और जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो सिस्ट सिस्ट विल ब्रेकअप एंड डोटर सेल्स फॉर्मड इन साइड द सिस्ट गेट्स रिलीज एंड ईच डोटर सेल बिकम्स अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तो क्यों हुई मल्टीपल फिजन क्योंकि अभी फेवरेबल कंडीशन नहीं थी रिप्रोडक्शन के लिए तो अंदर ही अंदर डिवीजन होती रही एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन गई जिसको क्या बोला सिस्ट उस सिस्ट के अंदर ही डिवीजन होती चली गई न्यूक्लियस की और न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म आता गया और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आई सिस्ट टूट गया और वहां से डॉटर सेल्स बहुत सारी डॉटर सेल्स रिलीज हो गई दिस इज हाउ इट डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स अब बायो में आपको ध्यान रखना होता है कि डायग्राम्स आपके बहुत नीट एंड क्लीन और ले, वेल लेबल्ड होने चाहिए उससे भी पता चलता है हो सकता है कि टीचर आपके डायग्राम को देखकर इतना इम्प्रेस हो जाए क्योंकि उसे पता है कि इतना अच्छा डायग्राम अगर वो बना पा रहा है इतना वेल लेबल्ड दैट मीन्स उसे कॉन्सेप्ट पता है तो ऐसा अज्यूम करते हुए हो सकता है वो आपके क्वेश्चन को रीड भी ना करे क्योंकि आपने सिंपल इंग्लिश भाषा इंग्लिश भाषा ही तो लिखी है कि हाँ मल्टीपल डिवीजन में क्या हो रहा है एक सिस्ट फॉर्म हो रही है फिर सिस्ट के अंदर ही डोटो सेल्स डेवलप हो जाएंगी फिर फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो इट विल ब्रेक डाउन एंड विल रिलीज द डोटो सेल्स यही तो बनाया है हमने डायग्राम में सो so, डायग्राम में क्या किया हमने एग्जाम्पल किसका लिया प्लाज्मोडियम का इट इज़ अ मलेरियल पैरासाइट उसमें सेम चीज़ बनाई उसकी शेप बनाई सर स्पेरिकल सी और फिर उसके अंदर एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और क्योंकि अभी हमें अनफेवरेबल कंडीशन शो करनी थी इसलिए उसकी एक बाउंड्री भी दिखा दी प्रोटेक्टिव बाउंड्री जिसको क्या बोला सिस्ट अब सिस्ट के अंदर ही डॉटर सेल्स ने डिवाइड होना शुरू कर दिया ये उनका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या हो गई साइटोप्लाज्म की कवरिंग आ गई और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आई तो ये सारी डॉटर सेल्स रिलीज हो जाएंगी सिस्ट में से दिस इज हाउ मल्टीपल डॉटर सेल्स आर फोम्ड सेकेंड प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग बडिंग पार्ट ऑफ विजन बट वी विल कंसिडर इट सेपरेटली बिकॉज इट्स क्लियरली मैंशं इन एन सी आर टी दैट इज इट इज अ सेपरेट रिप्रोडक्टिव मोड इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल बर्ड और वी कैन से आउट ग्रोथ सो During this process, a a small part of the body of the 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 body parent organisms grows out as a bud. The bud then detaches and moves away on its own to lead an independent life. क्या कह रहे हैं कि इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म की बॉडी पार्ट से एक छोटा सा पार्ट बाहर आने लगता है बाहर ग्रो करने लगता है जिसी उसी को हम क्या कह देते हैं बर्ड और फिर वो बर्ड अपने आप को डिटैच कर लेती है मतलब उस बॉडी से हटा लेती है अपने आप को एंड मूवस अवे ऑन इट्स ओन टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ और अपनी एक इंडिविजअुअल जिंदगी बिताने लगती है so, यानी कि वो एक कम्पलीट न्यू ऑर्गेनिजम बन जाता है सो द बर्ड में स्प्लिट अवे फ्रॉम द पेरेंट एज इन केस ऑफ हाइड्रा अब इसने कहा है जरूरी नहीं है कि वो डिटैच हो जैसे कि हाइड्रा केस हाइड्रा के केस में तो वो स्प्लिट हो रही है डिटैच हो रही है और इट मे रिमेन अटैच टू द पेरेंट बॉडी ऐसा भी हो सकता है कि वो एक सेपरेट बॉडी बनने के बाद डिटैच ना हो बॉडी से अटैच रह जाए बट स्टिल इट विल इट विल एक्ट एज ए इंडिपेंडेंट मेम्बर ऑफ द कॉलोनी एज इन केस ऑफ साइको अभी हम बर्डिंग का एग्जाम्पल देखेंगे दिस इज द डायग्राम ऑफ बर्डिंग इन हाइड्रा हमने एक हाइड्रा की बॉडी ली जिसमें ये टेंटिकल्स हैं दिस इज द बॉडी ऑफ हाइड्रा सो दिस इज पेरेंट हाइड्रा देन दिस पेरेंट हाइड्रा स्टार्ट डेवलपिंग अ बर्ड इसमें एक बर्ड और वी कैन से एक आउट ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है इसकी बॉडी से फिर वो उस आउट ग्रोथ में टेंटिकल्स भी आ जाते हैं यानी कि अब उसमें कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुकी है सो न्यू बर्ड इज फॉर्म्ड नाउ दिस दिस डोटल सेल विल विल बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस पेरेंट सो दिस गेट डिटैच फ्रॉम हर बॉडी सो दिस इज हाउ डोटर हाइड्रा सेल इज फोम्ड नाउ देर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ बर्डिंग बर्डिंग इन ईस्ट ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें वो अपनी पेरेंट की बॉडी से डिटैच नहीं हो रहा और वहीं पर अटैच होता होता फर्दर रिप्रोड्यूस करता है फर्दर प्रोड्यूस करता है एक कॉलोनी बना लेता है सेपरेट सो so, ये क्या हुआ हमारे ईस्ट की बॉडी हुई पेरेंट सेल जिसमें न्यूक्लियस है वैक्यूल है एंड साइटोप्लाज्म। सो दिस इज पेरेंट सेल देन न्यूक्लियस स्टार्ट टू डिवाइड इनटू टू एंड देन इट स्टार्ट सेपरेटिंग इथ न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म भी आना स्टार्ट हो जाएगा

दिस इज अमन मेथड ऑफ ए सैक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सम बैक्टीरिया एंड सम ऑफ द फंगाई फंगाई का एग्जाम्पल तो आपको बड़ी आसानी से देखने को मिल जाता होगा आपने कभी ब्रेड छोड़ दियो अगर एक दो दिन के लिए और वो अगर बासी स्टेल ब्रेड होते हैं जो उस पर फुई लग जाती है जिसको कहते हैं फंगस फंगाई लग जाती है वो इसी का एग्जाम्पल है सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्ट्स द फंगल हाइपा डेवलप्स एंड एनलार्ज स्पोरेंजियम अभी देखेंगे क्या हाइपा क्या स्पोरेंजियम न्यूक्लियस ऑफ डेवलपिंग स्पोरेंजियम डिवाइड सेवरल टाइम्स पोरेंजियम का जो न्यूक्लियस है वो फर्दर फर्दर डिवाइड होता रहता है कई बार हमें पता है जैसे साइटोप्लाजम सराउंड करेगा एंड देन इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग इन टू अपरेट बॉडी सो ईच न्यूक्लियस विद इन द डेवलपिंग स्पोरेंजियम गेट सराउंडेड बाई अ बिट ऑफ साइटोप्लाजम एंड डेवलप इंटू अर क्या हो जाता है सेपरेट स्पोर बन जाता है द स्पोर मेच्योर इन साइड द स्पोरेंजियम फिर वो स्पोर स्पोरेंजियम के अंदर मेच्योर होने लग जाता है और जब वो मेच्योर हो जाता है तो स्पोरेंजियम जो है वो रप्चर कर जाएगा फट जाएगा उसके वॉल्स फटे और और स्पोर्स क्या करेंगे स्पोर्स विल डिस्पर्स वो फैल जाएंगे टू ग्रो ऑन अ न्यू सब्सटेंस ईच स्पोर ग्रोज इन टू अ न्यू हाइपा फिर एक नया हाइपा डेवलप होगा आफ्टर जर्मिनेटिंग इन टू न्यू हैबिटेट वो हैबिटेट यानी कि जहाँ वो रहेंगे वो कुछ भी हो सकता है ब्रेड कोई और खाने की चीज़ ग्राउंड हो सकता है उसको हम सब स्ट्रेट सब स्ट्रैटम भी बोलते हैं तो हमने क्या कहा कि स्पोर फॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि पहले एक हाइपा डेवलप होता है वे ये वेजिटेटिव पार्ट होता है यहाँ रिप्रोडक्शन नहीं हो रही होती वहाँ पर अब स्पोरेंजियम बनेगा एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फिर उसके अंदर स्पोर्स डेवलप होंगे फिर वो मेच्योर होंगे और जब मेच्योर हो जाएंगे तो स्प्रेंजिया रपचर कर जाएगा ब्रेक डाउन एंड दिस वो फैल जाएंगे एंड देन दे अगेन फॉल ऑन द सर्फेस वहां पे फिर से हाइपर डेवलप होगा और फिर फिर से यही प्रोसेस रिपीट होगा अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर एग्जाम में आ जाए राइजोपस, राइजोपस इज नथिंग बट इट इज अ ब्रेड मोल्ड यही एक्सप्लेन करना है आपको उसमें स्पोर फॉर्मेशन एंड अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस इज म्यूकर और पेनेसिलियम सो दिस इज स्पोर फॉरमेशन दैट इज री रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन बहुत सिमिलर है सो रीजनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रीजनरेट नाम से ही पता चल रहा है रीजनरेट मीन्स दोबारा जनरेट करना इट्स लोएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिमूव्ड बाय इंजरी और ऑटोटोमी ऑटोटोमी क्या होता है इट इज सेल्फ एम्प्यूटेशन ऑफ द बॉडी पार्ट जिसमें खुद से ही बॉडी पार्ट कटने लग जाते हैं सो इट इज कैरिड आउट बाई स्पेशलाइज्ड सेल्स अब देखिए जनरली हम इसमें एग्जाम्पल क्या देते हैं लिजर्ड का लिजर्ड की टेल कट गई और वो फिर रीजनरेट हो जाती है बट इट इज़ नॉट रिप्रोडक्शन यहाँ हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की रीजनरेशन एक ऐसी एक ऐसा मोड जिसमें रिप्रोडक्शन हो रही हो तो उसमें हम क्या कह रहे हैं कि उसमें ये फंक्शन एक स्पेशलाइज सेल्स क्योंकि ऐसा काम कर रहे हैं इसलिए हम उसे रिप्रोडक्शन कंसिडर कर रहे हैं एंड इट इज कॉमन इन लोअर प्लांट्स एग्जाम्पल एलगी तो आप रीजनरेशन के एग्जाम्पल याद रखना इट इज़ एलगी एंड एनिमल्स लाइक प्लेनेरिया एंड हाइड्रा अब आपको याद होगा हाइड्रा आपने बर्डिंग में भी पढ़ा था और रीजनरेशन भी एक तरीका है जिससे वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो प्लेनेरिया रीजनरेशन का लिया है प्लेनेरिया ऐसे हुक लाइक वोम जैसा दिखता है एंड इट इज दिस इज फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म मीन्स दिस इज कम्प्लीटली डेवलप्ड इट्स सेल्स और बीके टिश्यूज और ऑर्गन्स हैव बीन फुली डेवलप टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस नाउ सम हाउ इट ब्रेक्स डाउन किसी भी रीजन से एक्सीडेंटली बाई इंजरी या सेल्फ एम्पटेशन की वजह से तो अब ये ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इंटू थ्री पार्ट तो हर पार्ट्स में से इट विल रीजनरेट द फुल बॉडी सो थ्री ऑर्गेनिज्म विल बी रीजनरेटेड देन इज फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन इज फाउंड इन मल्टी सैल्युलर ऑर्गेनिजम्स विथ सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अब ये देखिए हम भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अंदर फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल नहीं है इसीलिए इसने स्पेशली मेंशन किया है इन द मल्टी सेलर सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बट विथ सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ओनली क्योंकि हमारी तो इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है कि उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे हमारे लिए तो पूरा अलग से स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स चाहिए तो इसलिए हमारे में फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल नहीं है सिर्फ ऐसे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम में फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल हो एग्जाम्पल स्पाइरो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्पाइरो एंड इट ब्रेक्स अप इनटू स्मॉल पीसेज अपॉन मेच्योरेशन वो टूट जाता है छोटे छोटे पीसेज में मेच्योर होने के बाद रीजनरेशन में क्या था इट ब्रेक्स डाउन एक्सीडेंटली जरूरी नहीं है मेच्योर होने के बाद वो वैसे ही इंजरी से एक्सीडेंट्स है सेल्फ एम्पूटेशन की वजह से लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है उसका प्रोसेस ही ये है रिप्रोडक्शन का कि इट ब्रेक्स अप इंटू स्मॉलर पीसिस अपॉन मेच्योरेशन और फिर उन पीसेज उन फ्रेगमेंट से एक नया इंडिविजुअल आता है सी दिस इज इंपॉर्टेंट नोट दैट इज दिस इज दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इट इज ओनली ट्रू फॉर सिंपल बॉडी ऑर्गेनिजम्स देन इज द डायग्राम ऑफ स्पाइरोगेरा फ्रेगमेंटेशन ऐसे स्पाइरल फॉर्म में उसके अंदर बनाना है देन दिस 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 इज 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 न्यूक्लियस सेपरेशन सेप्टम सेप्टम क्लोरो स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट अब इसकी, इस में से ये डिवाइड हो रहा है मिच्योर होने के बाद फिर अपना अलग से इस फ्रेगमेंट से अलग डोटर सेल इस फ्रेगमेंट से अलग डोटर सेल इस, इस वाली फ्रेगमेंट से अलग डोटर सेल और फिर ये अपने आप में बाद में तीन अलग अलग न्यू ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे देन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वेजिटेटिव वर्ड तो वैसे भी जहां आ जाए वी विल स्टार्ट थिंकिंग की हाँ ये प्लांट्स रिलेटेड है दिस बोर्ड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन प्लांट्स इन दिस रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद देल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट लाइक स्टेम रूट लीव एटसेट्रा अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमने स्टार्टिंग में जब ए सेक्शुअल रिपोर्डक्शन की क्लासिफिकेशन पड़ी थी वहां देख ही लिया था कि ये दो टाइप की होती है वन इज नेचुरल एंड अनदर वन इज आर्टिफिशियल अब नेचुरल तरीके से नेचुरल नाम से पता चल रहा है जहां पर ह्यूमन बींग की कोई इंटरफेरेंस ना हो एंड इट कैन बी डन बाय रूट्स बाय स्टेम और बाय एडवेंटिजियस बर्ड्स और लीव्स बाय रूट्स जैसे कि स्वीट पोटैटो धालिया फ्लावर बाय स्टेम पोटैटो ग्रास जिंजर ध्यान रखना प्लीज स्टेम का एग्जाम्पल है पोटैटो रूट्स का एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो देन बाय बर्ड्स और लीव्स वी हैव ब्रायो फाइलम अब ये एग्जाम्पल्स तो आपने अब तक देख ही लिए होंगे कोरोना टाइम में ज्यादातर लोगों ने गार्डनिंग को ऑप्ट किया था अपने लाइफ में उन्होंने देख ही लिया हुआ किस तरीके से प्लांट्स प्रोड्यूस तो करते हैं नहीं देखा है तो आई विल पुट इट इन अ वीडियो वन डे एंड आई विल प्रोवाइड द लिंक आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन इज लाइक बाय कटिंग बाय लेयरिंग बाय ग्राफ्टिंग बाय टिश्यू कल्चर अब इसके एग्जाम्पल्स बाय कटिंग फर्दर एक्सप्लेन करेंगे इसे इसके एग्जाम्पल्स क्या है ग्रेप्स रोज जैसमिन चाइना रोज मलबरी बोगनविलिया एंड शुगर केन एट्सेट्रा बहुत चीजें हैं बहुत चीजें जो कटिंग से हो, हो जाती हैं देन इज लेयरिंग जैसमिन गा चाइना रोज अगेन ऑरेंज लेमन स्ट्रॉबेरी एटसेट्रा देन इज ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग की हेल्प से मैंगो चाइना रोज ऑरेंज टिश्यू कल्चर ऑर्किड्स क्रिस सेंथममम एट्सेट्रा अब इनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कटिंग नाम से पता चल रहा है ये देखने में बड़ा बड़ा लग रहा है कि इतना कुछ क्या लिखा हुआ है लेकिन जब आप इसको देखेंगे और एनालाइज करेंगे तो यह लगेगा कुछ भी नहीं है बस जो हम बोल रहे हैं उसको अपने शब्दों में लिखा है इन दिस मेथड स्मॉल पीसेज ऑफ एनी प्लांट ऑर्गन प्लांट ऑर्गन मीन्स स्टेम हो रूट हो लीफ हो कुछ भी अगर कोई कोई प्लांट स्टेम की कटिंग से कोई कोई प्लांट रूट की कटिंग से कुछ प्लांट लीफ की कटिंग से भी रीजनरेट कर जाते हैं प्रोपोगेट कर जाते हैं फैल जाते हैं जैसे स्टेम कटिंग का अगर एग्जाम्पल लें तो उसमें ग्रेप्स शुगर केन रोज मनी प्लांट इनमें से कुछ तो देखा ही होगा आपने सो इन दिस मेथड हम क्या करते हैं ट्वेंट अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी टू थर्टी सेंटीमीटर लंबी स्टेम काटते हैं और उसमें कट जो है वो स्लांट होना चाहिए टेढ़ा सो आफ्टर कटिंग स्टेम इज पुट फिर कटिंग के बाद उस स्टैम्प को हम किसी भी रूटिंग मीडियम में रख देते हैं रूटिंग मीडियम मीन्स जहाँ उसकी रूट्स आएंगे वो पानी भी हो सकता है वो आपकी सॉयल भी हो सकती है वो आपका पानी सॉयल इस तरीके के और जितने भी मीडियम्स पॉसिबल है जिन पे प्लांट की ग्रोथ पॉसिबल है वहां उसे उस स्टेम को रख देंगे और उस स्टेम का वन थर्ड हिस्सा हम उस रूटिंग मीडियम में बरी कर देंगे दबा देंगे सो आफ्टर सम टाइम रूट्स विल रूट्स विल बी फोम्ड कुछ समय बाद उस पर रूट्स आ जाएंगी और यही हमने डायग्राम में बनाया है कि पहले हमने एक प्लांट पेरेंट प्लांट था और उसमें से हमने एक कटिंग ली और फिर उस कटिंग को हमने किसी रूटिंग मीडियम में दबा दिया और फिर बाद में वहां से रूट्स डेवलप हो जाएंगी शूट्स भी अपीयर करना स्टार्ट कर जाएंगे यानी कि वो करेक्ट टाइम है उसे रीप्ला उसे वहां से निकाल कर सॉइल में प्लांट करने का क्योंकि अब वो एक नया प्लांट बन चुका है देन इज लेयरिंग इन दिस मेथड अ लोअर फ्लेक्सिबल ब्रांच ऑफ स्टेम इज पुल्ड एंड अ पोर्शन ऑफ इट इज बरीड इन द सॉइल इन सच अ वे दैट द ग्रोइंग टिप रिमेन्स अबव द सॉइल एंड द ब्रांच रिमेन्स अटैच टू द पेरेंट प्लांट अब इसमें बात इंपॉर्टेंट क्या है पहले तो ये वर्ड देखिए लेयरिंग लेयरिंग मीन्स लेयर लगाना किसी चीज़ की अब प्लांट्स है तो उसमें लेयर किसकी लगा देंगे मिट्टी की लेयर अब लेयर लगाएंगे लेकिन कैसी ब्रांच पे लगाएंगे एक फ्लेक्सिबल ब्रांच पे लगाएंगे क्योंकि वही तो मुड़कर मिट्टी में दब सकती है और वो कहाँ होनी चाहिए वो प्लांट के लोअर पोर्शन पे होनी चाहिए क्योंकि तभी वो मिट्टी के नज़दीक होगी इसीलिए उसको दबाना आसान होगा एंड इट दैट इज़ पुल्ड एंड अ पोर्शन ऑफ इट इज़ बरीड उसमें से उसका कुछ पोर्शन हम दबा देंगे और इस तरीके से दबाएंगे कि जो उसकी टिप है उस शूट की जो टिप है वो सॉयल सर्फेस से ऊपर रहनी चाहिए और ब्रांच को तोड़ना नहीं है उस ब्रांच को इट शुड रिमेन अटैच टू द पेरेंट प्लांट लेयरिंग का ये कॉन्सेप्ट है कटिंग में क्या होता है वो पेरेंट पेरेंट प्लांट से डिटैच हो गई थी इसमें क्या रहेगी वो अटैच रहेगी सो बिफोर बरिंग द साइड ब्रांचेज एंड लीव्स आर ट्रिम्ड ऑफ उस, उसे दबाने से पहले साइड के ब्रांचेस और लीव्स को ट्रिमिंग कर देनी है काट देना है क्यों अदरवाइज फिजुल में न्यूट्रिशंस जो है वो कंज्यूम होते वो रहेंगे सो द ब्रांच शुड बी कवर्ड विद अप्रॉक्सीमेटली फाइव टू एट सेंटीमीटर सॉइल फिर इतने पांच से आठ सेंटीमीटर की परत के साथ उसे दबा देंगे सो आफ्टर सम डेज बर्ड्स बर्ड स्टेम्स डेवलप रूट्स फिर बरी जो स्टेम दबा रखे है उसमें से रूट्स निकलने लगेंगी नाउ द रूटेड ब्रांच इज देन कट आउट एंड इज ग्रोन एज अ न्यू प्लांट सेपरेटली फिर उस रूटेड ब्रांच को हम बाद में जब रूट्स आ जाएंगी तो उसे काट के कहीं और उगा सकते हैं क्योंकि अब वो एक सेपरेट प्लांट बन चुका है सो दिस इज ऑल अबाउट लेयरिंग ये इसका एग्जाम्पल है जैसा हमने एक्सप्लेन किया था कि एक पेरेंट प्लांट लिया उसकी लोअर स्टेम्स को सॉइल में बरी कर दिया और इस तरीके से बरी कर दिया कि उसके टिप जो है वो बाहर रहे और फिर थोड़े दिन बाद उसमें रूट्स आ जाएंगी और जब रूट्स आ जाएंगी तो हम एक उसे सेपरेटली कहीं और उगा सकते हैं देन इज ग्राफ्टिंग इसको याद करने का तरीका आसान सा है कन्फ्यूज ना हो ताकि कि क्या कटिंग है और क्या ग्राफ्टिंग है ग्राफ्टिंग वर्ड को क्राफ्टिंग वर्ड से याद रखना क्राफ्ट यानी इसमें कुछ कारीगरी दिखानी है तो इसमें क्या कारीगरी दिखानी है इन दिस टेक्निक पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स आर ज्वाइन इन सच अ वे दैट आफ्टर सम टाइम दे स्टार्ट ग्रोइंग एज वन सिंगल प्लांट अब इसमें क्या होता है हम ऐसा क्यों करते हैं एक प्लांट है जिसका जाइलम सिस्टम बहुत स्ट्रोंग है या वो उसमें और कोई अच्छी खूबी है और एक प्लांट है जिस जिसके फ्रूट्स मुझे बड़े पसंद आ गए हैं और मुझे मेरे गार्डन में वैसा प्लांट चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ मैं अपने फ्रेंड के घर विजिट करने गई थी वहाँ मैंने उसका प्लांट देखा और वो बड़े बड़ा उसके जो फ्रूट्स थे वो बहुत स्वीट और वो बहुत टेस्टी थे तो मैंने फ्रेंड को बोला कि आई नीड अ स्टेम मुझे इसके स्टेम चाहिए ताकि मेरे गार्डन में भी जो प्लांट है वो इतना अच्छा फ्रूट नहीं देता उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके फ्रूट्स इतने टेस्टी नहीं है सो वॉट वट आई कैन डू इज मैं उस स्टेम को लेकर आ सकती हूँ और अपने प्लांट पर लगा सकती हूँ तो मेरा प्लांट भी वैसे फ्रूट्स देने लगेगा क्योंकि अब वो जो मेरे प्लांट का ज़ाइलम सिस्टम है जाइलम सिस्टम आपको पता है ना जो मैं वाटर और मिनरल्स कैरी करेगा सो so, वो तो मेरे प्लांट का रहेगा वहाँ से उसको न्यूट्रिय न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे और क्योंकि उसकी जो खुद की क्वालिटी है वो तो उसमें ही रहेगी और फिर उसकी फर्दर फर्दर स्टेम्स ग्रो होती रहेंगी वो भी मेरे प्लांट का हिस्सा बन जाएगा और अब वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी मेनटेन रखेगा इट इज़ डन विथ टू क्लोजली रिलेटेड डाई कोटिलेडन प्लांट्स इसमें ध्यान रखना है ये डाई कोटिलेडन प्लांट्स के साथ ही पॉसिबल है और वो क्लोजली रिलेटेड होना होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आम के पेड़ पे अंगूर के या फिर आम के पेड़ पर सेब सेब की ग्राफ्टिंग कर रहे हो मतलब अगर आम का है तो आम के होने चाहिए ऐसा कर सकते हैं नींबू पे ऑरेंज या फिर ऑरेंज पे किन्नू या फिर उन पर मौसम्बी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो क्लोजली रिलेटेड हैं लेकिन ऐसा इतना डिफरेंट नहीं हो सकता सो द रूटेड प्लांट इन विच रूटेड प्लांट जिस जो हम, जैसे कि जो अपने घर पर पहले से ही है दैट इज रूटेड प्लांट जिसकी रूट्स ऑलरेडी है उसको तो काटा नहीं है सो इन विच ग्राफ्टिंग इज परफॉर्म इज कोल्ड स्टोक जो रूटेड प्लांट है उसको क्या कहते हैं स्टोक और जो कटआउउट पोर्शन हम फ्रेंड के घर से लेकर आए थे या कहीं से भी आपने अगर नर्सरी से खरीदा था सो दैट इज ग्राफ्टेड उसको यहाँ ग्राफ्ट किया जाएगा और उस पोर्शन को कहेंगे स्कायन अब ग्राफ्टिंग में किस बात का ध्यान रखना होता है शेप्स का आप जो कटिंग कर रहे हैं सपोज कीजिए ये आपका रूटेड प्लांट है आपने इसमें ऐसा कट लगाया तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल फिट होना चाहिए तो जो आप कटिंग लेकर आएंगे उसकी शेप भी कैसी होनी चाहिए ऐसी ही होनी चाहिए कटिंग में ये ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि वो पूरा उसके अंदर फिट होना चाहिए अगर आप कुछ ऐसा एम शेप की कटिंग कर रहे हैं ताकि वो फिट रहे हमेशा तो आपको उधर से दूसरे वाले प्लांट की भी ऐसी ही कटिंग करनी होगी ताकि वो फिट हो सके फिर क्या करेंगे उसे रैप करेंगे जैसे ही ये कटिंग को फिट किया उसके बाद ताकि वो हमेशा अटैच रहे कुछ सा, सा, कुछ समय तक जब तक कि वो नेचुरली अटैच ना हो जाए उसको किसी भी एक टाइट कपड़ा बांध सकते हैं या फिर एक सेलो टेप या कुछ पोलिथीन के साथ उसे रैप करेंगे अच्छी अच्छे तरीके से ताकि वो डिटैच ना हो सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रैफ्टिंग देर इज वन मोर टेक्निक टिश्यू कल्चर इसके लिए थोड़ा लैब के प्रोसीजर्स की जरूरत पड़ेगी एंड दिस इज ऑल्सो माइक्रो प्रोपोगेशन इन दिस सेल और ग्रुप ऑफ़ सेल्स आर ग्रोन आर्टिफिशियली इन द न्यूट्रिएंट मीडियम क्योंकि इसमें हमें कुछ चीज़ें चाहिए जैसे न्यूट्रिएंट मीडियम यहां पर आपका कोकोनट मिल्क हो सकता है बट इट हैज टू बी परफॉर्मड अंडर स्टेराइल कंडीशन बहुत ही नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर होगा हो ये सब तो ऐसा घर पर नॉर्मली पॉसिबल नहीं हो पाता इसीलिए इनके लिए अलग से लैब्स में परफॉर्म किया जाता है ये सो दिस इज़ न्यूट्रियट मीडियम दिस इज़ कैलस जो आपके सेल्स हैं एंड इट इज़ blocked with cotton plug then cell from an unorganized mass is called callus the callus is then transferred to differential medium containing hormones so, uske andar hormones hote hain is medium ke andar auxins or cytokinesis jo iske growth ke liye responsible hote hain The callus forms small plantlets. फिर उस callus में से छोटे छोटे plantlets निकलने लगेंगे और अब उनमें root दिखाई देगी then this can be transferred to the fields। जब ऐसा हो जाता है तो अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो कर ली तो उसके एडवांटेजेस भी देखने हैं सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सीडलेस प्लांट्स जैसे कि रोज़ शुगर केन बनाना ग्रेप्स इनको कैसे उगाओगे अगर सीड ही नहीं मिलेगा तो तो इनको उगाने के लिए इनकी स्टेम कटिंग की हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन काम आई किसके केस में सीडलेस प्लांट्स के केस में प्लांट्स ग्रोज मच क्विकली देन बाई सीड्स ये तो आप देख ही रहे हो एक तो जब प्लांट को आप सीड से उगाओगे तो एक तो सीड जर्मिनेट होने में टाइम लेगा फिर वो ग्रो करेगा फिर वो एक थोड़े दिन बाद मिच्योर होगा कुछ सालों बाद इनफेक्ट तब जाके वो फिर फ्रूट देने लगेगा तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की हेल्प से पेड़ उगा रहे हैं तो वो जल्दी बड़े हो जाते हैं प्लांट्स ऑफ प्लांट्स ऑफ डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ कैन बी ग्रोन ये भी हमने देख लिया कि हाँ हमें जो भी क्वालिटी अच्छी लगी थी पर्टिकुलर प्लांट की उसकी कटिंग ले आए और फिर हमने क्या किया उसे उगा दिया या उसकी लेयरिंग कर सकते हैं या हम ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं कि हमारा प्लांट जैसा भी था हमने किसी क्वालिटेटिव प्लांट को देखा और उसकी स्टेम उसमें लगा दी तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं डिजायरेबल क्वालिटी का प्लांट पा सकते हैं प्लांट्स रेज बाय दिस टेक्निक कैन बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम दिस सीड्स अफकोर्स क्योंकि अब प्लांट सीड से नहीं हो रहा है वो सीधा स्टेम से या फिर स्टेम से वो उसके पार्ट से हो रहा है तो वो ऑलरेडी मिच्योर है उसके एक एज है ऑलरेडी तो अब वो जल्दी रिप्रोड्यूस करेगा सो so, इसमें फ्लावर इसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स जल्दी आ जाएंगे एज़ कम्पेयर टू उस प्लांट के जो सीड्स से उगाया जाएगा एंड दे आर जेनेटिकली सिमिलर क्योंकि यहाँ कोई फ्यूजन नहीं हो रहा गेमीट्स का तो वो जेनेटिकली सिमिलर रहेंगे क्योंकि अगर फ्यूजन होगा तो मेल और फीमेल अलग अलग गेमीट्स होंगे उनमें अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होंगे अलग अलग जीन्स होंगी तो वो वेराइटी आ सकती है वेरिएशन आ सकती है तो इस केस में वो बिल्कुल सिमिलर रहेगा इस वीडियो में हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन की है नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग